ये है हमारे गांव का मंदिर एंड दिस इज द चौक। ये है हमारे गांव की गलियां जो कि मेरे घर को निकलती है। ये है यहाँ के पुराने घर और ये है कोठार। से देख रहे हैं मेरा घर। मैं भी पेड़ पे चढ़ रखा हूँ। एक्चुअली ये मेरे दादाजी ने लगाया था और इस पे बिलायती आड़ू लगते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप। अब मैं इनको तोड़ता हूँ जरा। गाइस मैंने काफी कुछ आड़ू तोड़ लिए हैं। खट्टा मीठा होता है इनका पूरा टेस्ट ना, पूरी तरह से पक गए हैं। काफी टाइम बाद पेड़ों पे चढ़ा हूँ और ये मेरे दादाजी का लगाया हुआ है बिलायती आड़ू। ऐसे टेस्टी आड़ू होते हैं, मैं बचपन से खाता हूँ। अभी मैं घर आया था तो मैंने कहा कि चलो लगे हैं तो तोड़ के घर ले जाता हूँ थोड़ा, है कि नहीं। ठीक है गाइस, निकलते हैं अभी गाँव की पार्किंग और मैं आपको दिखाता हूँ पार्किंग से नज़ारा। वाह, ये पूरा का पूरा भाटिया गाँव। ये है मेरी पैंथर, इधर खड़ी है। रोड के पेड़ के पास ही हमारा पेड़ है, काफी बड़ा है। ऊपर को दिख नहीं रहा है, एंटी लाइटिंग हो रहा है। और यहाँ पर बच्चे देखो आप अखरोट तोड़ रहे हैं। तोड़ो जरा, इसको पका है अभी? पूरी तरीके से नहीं पका है, फिर भी इसके अंदर क्या कि पूरी तरीके से कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है इसको पकने में। दिखाओ जरा कैसे। ये देखो जो अंदर की जो है गिरी होती है ये गाइस। वाओ, इट्स सो टेस्टी। क्या आपका नाम क्या है? मेरा नाम खुशबू। खुशबू राज। आपका नाम? श्वेता। श्वेता। और आपका? सृष्टि जी है। तो कितने अखरोट खा लेते हो एक दिन में? हैं? ये तो गाइस बहुत मजा आ रहा है, मतलब अखरोट खाने में। देखो बच्चे इधर अखरोट ढूंढ रहे हैं और गांव का माहौल ही अलग होता है। मतलब वी विल एंजॉय दिस प्लेस एंड दिस मोमेंट इज़ वेरी स्पेशली फॉर अस। ये देखो कितनी मेहनत से निकाल के मेरे को दे रही है। देखो यहाँ वाह, ये ज़्यादा टेस्टी होते हैं बिकॉज ये अभी फर्स्ट स्टेज पे हैं। थैंक यू सो मच। और इनको खाने का मज़ा ही कुछ और है। टोटली अगर देखें तो अखरोट ऐसे दिखते हैं। दिखाओ, ये देखो आप,
ये होते हैं अखरोट, इनके बाहर का कवर निकल चुका है, लीजिए आपके लिए। तो गाइस थोड़ी देर अखरोट का एंजॉय लेते हैं, अभी तोड़ता हूँ मैं तीन चार और फिर घर निकलते हैं। ये है वो अखरोट, देखिए अब हाथ से टूट गई।